गाइज़ गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और गाइज़ आज सुबह के 7:45 बज रहे हैं, यानी कि 6:45। और गाइज़ अभी मैं जा रहा हूँ अपने कैंप की ओर और अभी गाड़ी का वेट कर रहा हूँ, गाड़ी तो आई नहीं अभी। तो गाइज़ मैं पहुँच चुका हूँ कैंप से गुप्तकाशी में, और गुप्तकाशी में ये विश्वनाथ के मंदिर में आए हैं। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब पांडव केदारनाथ जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर रुक करके तपस्या की थी और उसके बाद यहाँ से प्रस्थान किया। और ये देख सकते हो आप, और ये गाइस तैयारियाँ चल रही हैं कर्नल साहब के स्वागत की। और ये देख सकते हो झंडे लिए हुए बहुत सारे अपने अपने क्षेत्रों से आ रखे हैं लड़के, और ये आप देख सकते हो। और आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी करते हुए कर्नल साहब, आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान चंद्रशेखर भट्ट, आपसे निवेदन कि आप जोरदार तालियों से भट्ट जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। मंचासीन सभी क्रांतिकारी साथियों का मैं अपने केदारनाथ की और विश्वनाथ की पावन तपस्थली में सभी क्रांतिकारी साथियों का आम आदमी पार्टी की तरफ से कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करना चाहूंगा कि आप लोग। अजय कोठियाल अंदर गया था और रौनक ही रौनक हो गई थी 3 साल के बाद, क्योंकि उसके साथ युवा थे, उसके साथ महिलाएं थी। अजय कोठियाल वैसे का वैसे ही कार्य करने वाला हमेशा का इंसान रहेगा। अजय कोठियाल कभी देहरादून में ऑफिस में बैठने वाला आदमी नहीं है, और वाकई में सारे गांवों में घूमेगा, हर इलाकों में घूमेगा। उसे इच्छा होती है कि जैसे और गाइस ये जनसभा जो कि कर्नल अजय कोठियाल साहब की थी यहाँ पे गुप्तकाशी में, और इसमें आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ भड़ाका और शानदार व्यक्तित्व के धनी और कर्नल अजय कोठियाल साहब की चक्र शौर्य चक्र विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं। और ये आप शानदार देख सकते हो ये वीडियो ब्लॉग के माध्यम से, और ये शानदार नज़ारा गुप्तकाशी मार्केट का, और दुकानदारों के पास जा के मिल रहे हैं साहब। और ये आप वीडियो में देख सकते हैं लगातार कर्नल साहब रूबरू होते हुए जनता से, और किस तरीके से जनता से रूबरू होते हैं हो रहे हैं साहब।
तो ये आप देख सकते हो। असली ताकत देखनी है वो है ये दराती जो उठाती है महिला, और अगर इस ताकत को आप पहचान गए तो जैसे आपने बोला था कि यहाँ पे बिजली पानी सड़क वो अपने आप आएगी। सुमन तिवाड़ी ने ये दराती उठानी है, अपने आप चीजें तगड़ी होगी। और ये जनता से दूर होते हुए भाई साहब बात करते हुए तो भाई साहब का फोन आ गया, तब तक फोन पे लगे हुए हैं। अच्छा, तो आज थी कर्नल साहब की जनसभा और ये थी गुप्तकाशी में। तो अभी 3:30 बज चुके हैं, ये देख सकते हो आप। और अभी कर्नल साहब निकल चुके हैं और डायरेक्ट गंगोत्री जाएंगे आज, और फिर वहाँ पे कार्यक्रम है उनका। तो आज यहाँ पे आए थे हम गुप्तकाशी में, और मेरे साथ आए थे प्रदीप सर और बच्चे से। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं कैंप में, और कैंप में अभी पहुंच रहे हैं जस्ट। तो ये टाइम हो चुका है 5:30 बज चुके हैं। तो ये आप देख सकते हो, आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि ये फ्रंट कैमरे से लिया जा रहा है। तो 5:30 बज चुके हैं और शाम की, और अभी जस्ट पहुंच ही रहे हम, और हमारे साथ कुछ लड़के भी गए थे, और प्रदीप सर और मैं दोनों गए थे गुप्तकाशी, और जहाँ पे जनसभा को संबोधित किया कर्नल अजय कोठियाल साहब ने। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था और काफ़ी मात्रा में भीड़ भी वहाँ पे काफ़ी हद तक थी, और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा। और अभी पहुँच रहे हैं, तो कपड़े भी चेंज किए नहीं है, तो पहले कपड़े चेंज करता हूँ मैं। तो गाइस अभी मैं कपड़े चेंज वगैरह कर लिए मैंने गुप्तकाशी से आने के बाद। तो गाइस अभी, और ये टोपी भी रख दी है क्योंकि आज पूरे दिन भर धूप वगैरह भी थी नहीं, तो ठंडा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे अगस्त मुनि वाले कैंप में, तो इसलिए टोपी भी पहन दी है मैंने। तो गाइज अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और गाइज मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।